संसद के इस गतिरोध पर देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति ने अब बयान दिया है, अपनी बातें रखी हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के गतिरोध पर विपक्ष के रवैये पर बड़ा बयान दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि सांसदों को संसद की कार्यवाही रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही को रोकना बहुमत को बंधक बनाने जैसा है। दिल्ली में डीआरडीओ के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, अल्पमत का शोर मचाना बहुमत को बंधक बनाने जैसा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में बहस करने और राय रखने का हक सभी को है, लेकिन संसद की कार्यवाही को रोकना ठीक नहीं है। राष्ट्रपति ने सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने की भी अपील की। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आवर माइंड, टू स्पीक फ्रीली, एंड इवन नो कोर्ट कैन इंटरफेयर व्हाट आई से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। Even when I bring some allegations against some individuals, I cannot be prosecuted in the court because I said so on the floor of the house. These type of freedoms, it should not be misused by causing disruption. Disruption means what? You are gagging the majority. Majority do never participate in disruptions. Only minorities come to the well, shout slogans, stop the proceedings and create a situation where chair has no option but to adjourn the house. This is totally unacceptable.